हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटोजिल इंडिया। ऑटोजिल इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रवि कंबोज। सो टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे होंडा के रीसेंट लॉन्च CB350, या यूं कह लीजिए हाइनेस। यस, इट इज हाइनेस CB350। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नो बकवास, सीधी बात, राइट। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, होंडा इज अ जैपनीज ब्रांड और बीइंग जैपनीज होंडा भी जानी जाती है अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। इस मोटरसाइकिल की अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4 स्ट्रोक 350cc का एयर कूल्ड इंजन जो सिंगल सिलेंडर में ही है। पावर जनरेट करता है 20.7 bhp एंड 30 Nm टॉर्क एट 3000 rpm। ये बहुत अच्छा है, 3000 rpm पे 30 Nm का टॉर्क जनरेट कर रहा है। इट हैज़ 5-speed ट्रांसमिशन एंड इट हैज़ स्लीपर क्लच विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इस सेगमेंट में। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो और 350cc की आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो आपको स्लीपर क्लच चाहिए, जो शायद इसके कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो अगर हम लाइट्स की बात करते हैं तो फ्रंट हेडलैम्प जो है वो कंप्लीट LED है। रियर टेल लैम्प जो है उसके बारे में कंपनी कुछ अलग ही बोल रही है कि उसमें कोई रिंग टाइप रिंकर है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ दी है कंपनी ने, अजीब से नाम रख देती है कंपनी, रिंकर है, रिंग टाइप रिंकर। सो लेकिन अच्छा है देखने में, बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप नॉर्मल इसकी आप लाइट्स ऑन करेंगे तो आपको रिंग नज़र आएगा पीछे, एंड जब आप ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कंप्लीट लाइट ऑन हो जाती है। तो इट इज़ डिफरेंट एक्चुअली, विच इज़ गुड, लोगों को डिफरेंट तो चाहिए, है ना। सो अगर ब्रेक्स की बात करते हैं तो इट हैज़ डुअल चैनल ABS, जिसमें आपको फ्रंट में मिलता है 310 mm का डिस्क एंड रियर में आपको मिलता है 240 mm का डिस्क। मूविंग ऑन द टायर्स, रियर टायर का जो साइज है वो बहुत अच्छा दिया है, 130 mm का रियर टायर है जो 18 inches में व्हील में आपको मिलेगा, और फ्रंट व्हील इज 19 inches जो आपको 100 section टायर मिलता है, विच इज़ गुड। एक्चुअली होंडा इस बाइक के अंदर बहुत कम वाइब्रेशंस जो है वो क्लेम कर रहा है, क्योंकि इंजन में मेन शाफ्ट कॉक्सियल बैलेंसर यूज़ किया गया है। ये कुछ नई टेक्नोलॉजी होंडा लेके आया है, जिससे कह रहे हैं कि इंजन की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जो कि चाहिए बेसिकली। सो मूविंग फर्दर ऑन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक, सो इस बाइक की जो लेंथ आती है वो आती है 2163 mm, विड्थ इज 800 mm, हाइट इज 1107 mm, व्हील बेस आपको मिलता है 1441 mm का, ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी मिल जाती है आपको विच इज़ वेरी गुड, ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत अच्छी दी है कंपनी ने, 166 mm। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस बाइक में आपको 181 kg का वेट मिलेगा, सीट हाइट 800 mm है और फ्यूल टैंक इज 15 लीटर। मीटर की अगर बात करें तो मीटर में आपको बहुत से फंक्शंस मिल जाएंगे और लुक भी बहुत अच्छी है मीटर की। इसके अंदर आपको मिलेगा डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, रियल टाइम माइलेज, बैटरी वोल्टेज मीटर एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर। साथ ही हैजर्ड लाइट्स का भी स्विच आपको मिलता है बाइक में। और एग्जॉस्ट नॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जॉस्ट नॉट बहुत ही अच्छा है, मतलब कंपनी ने शुरू ही वहीं से किया था। स्टार्टिंग में जब अपनी वेबसाइट पे उन्होंने सिर्फ इसका साउंड डाला था, जिसकी आवाज़ जो है बहुत ही रोरिंग थी, जो शायद आपने इंट्रो वीडियो के अंदर भी सुनी होगी, दिस इज़ द सेम वॉइस जो आपको आएगा उसके अंदर। तो मूविंग फर्दर ऑन द फीचर्स, बाइक में आपको मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच है, एक ही स्विच है जिसके अंदर आपको इंजन सेल्फ और इंजन किल स्विच दोनों आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। साथ में कंपनी ने साइड स्टैंड इंजन लॉक का भी ऑप्शन दिया है, जो इस सेगमेंट में शायद फर्स्ट है, पहला है। इसमें होंडा ने दिया है सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, मतलब अगर आप एक्सेलरेट करते हैं ऑन बिगर गियर, हायर गियर में अगर आप उसको एक्सेलरेट करते हैं तो दैट टाइम पे टायर आपका जो है वो स्पिन नहीं होता, तो वो टॉर्क को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी है। कोई इस मोटरसाइकिल में आपको दो मॉडल्स मिलेंगे, एक डीलक्स है और दूसरा है डीलक्स प्रो। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। पहला है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल,
दूसरा है डुअल कलर्स, जो आपको प्रो में आपको डुअल कलर मिलेगा एंड डिलक्स में आपको सिंगल कलर का टैंक मिलता है। एंड थर्ड डिफरेंस इज सिंगल हॉर्न एंड डुअल हॉर्न, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। बाकी प्राइस क्या डिफरेंस आता है वो देखने वाली बात है। इनिशियली अभी जो प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस इस बाइक का आया है 1,90,000, जो शायद डिलक्स का ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग है बेस वेरिएंट का। तो ये बाइक मिलेगी आपको होंडा के बिग विंग्स शोरूम्स में, जहाँ पर सुपर बाइक्स की सेल होती है। बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं। एंड आपका क्या कहना है इस बाइक के बारे में? क्या ये अपने कॉम्पिटिशन जो रॉयल एनफील्ड एंड स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा को कॉम्पीट कर पाएगी? लेट अस सी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये बाइक आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट होंडा हाइनेस CB350। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो किसी भी काम आया है आपके तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आने हैं, बहुत से कंपैरिजंस, टेस्ट ड्राइव रिव्यूज आने हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त रवि कांबोज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।